किसान संगठन ने करनाल नगीनाथ मंडी में एक प्रोटेस्ट का कॉल है, एक महापंचायत बुलाई गई है और उसमें आज हमने इस संदर्भ में जो इनके मुख्य नेतागण थे उनसे बैठक की थी, उसमें इनकी तरफ से जो मांगे थी उस पर भी चर्चा हुई है और सरकार का जो स्टैंड था वो भी हमने इनपे बताया है। इनकी मुख्य मांगे ये थी कि जो लोग हैं जिनको 28 अगस्त को बस्ताड़ा टोल प्लाजा पे जो लाठीचार्ज हुआ था कानून तोड़ने की एवज में, हाईवे जाम करने की एवज में, उस लाठीचार्ज के जो घायल हैं उनको मुआवजा दिया जाए और एक किसान जिसकी ये कह रहे हैं कि अगले दिन हार्ट अटैक से मौत हो गई उसको भी मुआवजा मिले। इस संदर्भ में हमने उनको स्पष्ट बताया है कि ये सारे लोग जो है लो वायलेटर्स हैं, उन्होंने कानून तोड़ा है, हाईवे जाम किया है, तो किसी भी सूरत में मुआवजे के हकदार नहीं है। दूसरा इनका कहना था कि जो अधिकारी कर्मचारी हैं जिन्होंने लाठीचार्ज किया उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करे, तो वो भी हमने इनको स्पष्ट किया क्योंकि चूंकि स्वाभाविक सी बात है कि इन्होंने कानून तोड़ा, हाईवे जाम किया और हाईवे खुलवाने के लिए जो है मिनिमम वर्क प्रयोग जितना चाहिए था उतना किया है, तो इस प्रकार की कोई भी जो मांग है वो जस्टिफाइड नहीं है। इसीलिए हमने जब इनसे कन्वे किया तो इन्होंने अंत में इनका फैसला आया कि ये अपनी महापंचायत करेंगे। इस सिलसिले में मैं किसानों से जितने भी लोग यहाँ इकट्ठे होंगे उनसे आग्रह करूंगा, एक तो शांति व्यवस्था जरूर बना के रखें जितनी भी गैदरिंग हो। इनकी जो कॉल है, इनका जो मांग है कि ये हाईवे जाम करेंगे या सेक्रेटरीट का घेराव करेंगे, वो प्रशासन किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा क्योंकि हाईवे बड़ा क्रिटिकल है, जो लोग मूव करते हैं उनके मूवमेंट को किसी भी तरीके से रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार सेक्रेटरीट में भी जो है जरूरतमंद लोग आते हैं तो कानूनी तौर पे बिल्कुल गलत है कि अगर इसका कोई घेराव करे। प्रशासन की पूरी तैयारियां हैं, किसी भी कीमत पे दोनों चीज़ें नहीं होने देंगे और इसके लिए चाहे जो हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी, जो एक्शन लेना पड़ेगा वो लेंगे। लेकिन फिर भी किसान नेताओं से हमारी बात हुई है, मैं आगे उनसे आगे भी अपील करूंगा कि बातचीत, क्योंकि जो कोई भी इनकी समस्या उसका हल बातचीत से ही निकलना है, तो प्रशासन हमेशा बातचीत के लिए तैयार है। इनकी जो भी मांगे हैं, जायज़ मांगे हैं, वो हमारे सामने रखिए, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है। जो भी चीज़ जायज़ है लीगल है हमने इनको बताया है कि वो हम इनके लिए करने को तैयार हैं, लेकिन कोई गलत या इलीगल डिमांड करके और फिर उसके बाद अगर कोई फर्दर हाईवे जाम करने की बात करे या सेक्रेटरी को घेराव की करने की बात करे तो वो हम किसी भी कीमत पे नहीं होने देंगे। साथ में जो ट्रैवल एडवाइजरी, क्योंकि एक चांस है हाईवे को उसकी व्यवस्था बहाल करने के लिए फोर्स भी डिप्लॉयड रहेगी हाईवे पे, तो एक हमने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि कल के दिन अगर जरूरी ना हो, गैर जरूरी कार्य के लिए जो नेशनल हाईवे 44 है उसमें विशेष रूप से करनाल की सीमा में ट्रैवल करने से बचें, और अगर फिर भी किसी को जरूरत पड़ती है ट्रैवल करने के लिए तो हमने एडवाइजरी में विस्तृत रूप से आज जो कि लगभग सभी प्रिंट मीडिया के न्यूज़पेपर्स में भी छपा है, कल सोशल मीडिया पे भी हमने जारी किया था, तो हमने ऑल्टरनेटिव रूट्स प्लान करके बताए हैं। उन ऑल्टरनेटिव रूट्स को लें ताकि हाईवे पे इन केस आवाजाही किसी वजह से बाधित होती है तो लोगों को दिक्कतें ना आए। साथ ही मैं शहरवासियों से भी आग्रह करूंगा, करनाल जिला के रहने वाले लोग, किसी भी तरीके से किसी को भी डरने की या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। प्रशासन की ये पूरी तरह से मुस्तैद है और हमारी पूरा प्रयास रहेगा कि किसी भी तरह की जो कोई इलीगल घटना है उसको हम बिल्कुल नहीं होने देंगे, उसको सख्ती से। धारा 144 हमने कल के लिए लगाई है, इसमें जो भी 5 या 5 से अधिक लोग जो कानून तोड़ने की इच्छा से इकट्ठे होंगे या कोई वेपन जैसे लाठी भाला वगैरह लेकर के इकट्ठा होंगे उनके गैदरिंग पे प्रतिबंध है, और अगर इस तरीके से कोई करता है तो उसके खिलाफ बिल्कुल, चाहे लाइसेंस्ड हो या गैर लाइसेंस्ड हो, अगर 5 या 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं तो उनको उसको कल के लिए प्रतिबंधित सेवा। हाल ही के लिए करनाल जिले में हमारा बंद करने का प्रस्ताव है, पूरे जिले में सर, पूरे जिले में, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जो असामाजिक तत्व है वो रूमर्स फैलाते हैं, रूमर्स के जरिए जो है कई बार लोगों की भावनाएं आहत होती हैं या उनको जो है अननेसेसरी मोबालाइज करने की कोशिश की जाती है,
तो वो चीज ना हो इस सिलसिले में। मैसेज आ चुके हैं 12:30 से बंद होंगी, आज रात से बंद होगी, मैसेज आने शुरू हो चुके हैं कि 12:30 से कल 24 घंटे के लिए बंद रहेंगे। क्या पैरामिलिट्री फोर्सेस वाला ऐसा है? बिल्कुल, जो प्रशासन की पूरी तैयारी है, इसमें हमारी पुलिस है, बाहर जिलों की भी पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्स भी है, राइट कंट्रोल फोर्स वगैरह, जो जो भी हमारी तैयारी के लिए जितनी हमें पुलिस बल की आवश्यकता है। सर, जिला सचिवालय के आसपास बैंक हैं, प्राइवेट ऑफिसेज हैं, उनके लिए क्या निर्देश है? क्योंकि सभी लोगों के फोन आ रहे हैं कि प्राइवेट ऑफिसेज सभी SCOs में बंद रखें, शोरूम बंद रखें। देखिए, किसी को भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने कहा, नेशनल हाईवे भी चालू रखा जाएगा और सेक्रेटरीट की का जो कार्य है वो भी चालू रखा जाएगा। किसी को भी हम कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। अगर कोई कोशिश करता है तो उसको सर वाईफाई का इंतजाम किया जाएगा। सर शहर के अंदर कानून व्यवस्था बंदोबस्त किए गए हैं। करनाल शहर, इसमें करनाल जिले की पुलिस भी लगाई गई। अच्छा, मोबाइल नीचे करो प्लीज। मुख्यालय की ओर से पुलिस फोर्स भेजी गई है। टोटल 40 कंपनी हमने इसमें टोटल डिप्लॉय की है, जिसमें 10 कंपनी हमने CATF, जिसमें RPF, CRPF, BSF की कंपनी शामिल है, वो हमने डिप्लॉय की है। साथ ही 5 SP rank officer और 25 के आसपास DSP rank officer भी जिले के अलावा यहाँ पर लगाए गए हैं। इसके अलावा भी पर्याप्त मात्रा में वाटर कैनन, वज्रा और ड्रोन, वीडियोग्राफर इत्यादि का इंतजाम किया गया है, ताकि किसी भी प्रकार से यदि कोई भी कानून व्यवस्था की स्थिति को भंग करता है तो जिला पुलिस को या जो भी फोर्स वहां पर डिप्लॉय रहेगी उसको मौके के हिसाब से या परिस्थिति के हिसाब से जो भी कानूनी कार्रवाई उचित रहेगी वो कार्रवाई। आपका हमें सिविल कोर्ट से भी एक ऑर्डर प्राप्त हुआ है, जिसमें DC, SP और ये आदेश पारित किया है कि जो डिफेंडेंट नंबर 3 से लेकर 8 गुरनाम सिंह चढ़ूनी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अजय राणा, साथ ही मान ग्रुप, मास्टर केहर सिंह ग्रुप, अन्नदाता किसान यूनियन और दिया है कि जो रेस्पोंडेंट नंबर 3 से जो 8 हैं वो किसी भी प्रकार से नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे में बाधा नहीं पहुंचाएंगे, साथ ही ना ही किसी प्रकार से गवर्नमेंट या जो पब्लिक बिल्डिंग्स है उनकी फंक्शनिंग में किसी प्रकार से बाधा पहुंचाएंगे। उन्होंने माननीय न्यायालय ने उनको रेस्ट्रेन किया है और साथ ही जो डिफेंडेंट नंबर 1 और 2 है, DCO और SP, उनको ये आदेश किया है कि यदि वो पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहें तो उसके लिए कोई एक जगह ईयरमार्क कर दे जहां पर वो अपने पीसफुल प्रोटेस्ट कर। सर, कल को जिस तरह से पिछले दिनों बीजेपी की मीटिंग थी उस तरह के सभी रास्ते सील किए गए थे, कैथल रोड, काछवा रोड, क्या उस तरह के रास्ते भी सील रहेंगे? देखिए, इसमें कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए और लोगों को किसी तरह की असुविधा ना हो, उसके लिए जो भी करने पड़ेंगे वो हम करेंगे। साथ ही जैसे अभी एसपी साहब ने बताया कि न्यायालय से भी एक आदेश आया है, इसमें ये कहा गया है कि अगर प्रोटेस्टर्स को धरना साइट की कोई आवश्यकता है तो वो अपनी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, प्रशासन उनको पीसफुल धरने के लिए जगह। क्या कोई जगह के लिए अप्लाई किया सर उन्होंने? इस तरह की अभी तक बात सामने नहीं आई है। अगर उनकी तरफ से कोई बात आती है तो न्यायालय के सर आपका बयान मीडिया साथियों से भी आग्रह करूंगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, व्यवस्था है, काफी डेलिकेट सिचुएशंस होती है। ऐसे में जिम्मेदारी पूर्वक रिपोर्टिंग मीडिया की तरफ से हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, क्योंकि ये जो मामले इतने डेलिकेट होते हैं कि एक भी फॉल्स न्यूज या रूमर्स जो है वो सारी सिचुएशन को खराब कर सकते हैं। इसलिए मीडिया के आज करनाल के सभी रेस्पॉन्सिबल साथी यहाँ पे आए हुए हैं। मेरा आप सबसे आग्रह रहेगा कि कोई भी रूमर्स ना चलाएं और लाइव कवरेज के चक्कर में कई बार प्रशासन से वेरीफाई करने के बाद ही या जिस भी सोर्स से जिसको जो आपको ठीक लगे उससे वेरीफाई करने के बाद ही सूचनाएं चलाएं, ताकि लोग आवेश में आकर के लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने संबंधी कोई कदम। सर, एक जिला सचिवालय के आसपास जो प्राइवेट ऑफिसेज है उसमें काफी लड़कियां भी आती हैं, लड़के भी आते हैं, तो इतना जब रश हो जाएगा तो उसमें दिक्कत आ सकती है आने जाने में, तो आप उनसे अपील कर सकते हैं कि जरूरत ना हो तो ना ही खोले हो। बिल्कुल, जितने भी ग्रुप्स हैं, चाहे वो कमर्शियल ग्रुप्स हैं, इंस्टीट्यूशन हैं जो सेक्रेटरीट के आसपास के हों, अगर आपको बहुत आवश्यक ना हो तो आप कल के लिए बंद रख सकते हैं, क्योंकि उसमें आपके एम्प्लॉयज को कहीं ना कहीं इनकन्वीनियंस हो सकती है। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि किसी भी तरीके से प्रशासन की पूरा प्रयास है कि किसी भी तरीके से लोगों को किसी तरीके से। सर, जो कैसे जो लोग कैथल से काछवा रोड से आएंगे, मतलब वहां पर डंपर्स रहेंगे, बंद रहेंगे रास्ते? चालू रहेगी, सारे स्कूल्स खुले रहेंगे। इस प्रकार का कोई भी जो है आदेश या किसी डायरेक्शंस प्रशासन के द्वारा नहीं दी गई है।
अगर समय रहते आगे कुछ इस तरह की डायरेक्शंस आती हैं तो हम जो हमारा पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट है उसके थ्रू समुचित रूप से प्रेस नोट सभी मीडिया के साथियों को दिलवाएंगे और प्रशासन के जो सोशल मीडिया साइट्स और जो ट्विटर और फेसबुक अकाउंट्स है वहाँ पे सर किसानों की मांगों में से एक मांग मांगनी गई है उनकी पत्नी को नौकरी देने की। प्रशासन से मीटिंग के बाद गुरनाम सिंह चौधरी ने बोला है कि अगर उनको आगे नहीं आने दिया गया तो वो बैरिकेडिंग तोड़ के आगे आएंगे। कोई भी कानून तोड़ेगा तो उसपे उसको कानून को दिशा दिशा किए गए जो इमरजेंसी व्हीकल एम्बुलेंस कहाँ कहाँ से क्या कौन कौन से रूट डिवर्ट किए गए सर? जो इमरजेंसी व्हीकल्स है वो सीधे रास्ते से आना चाह रहे बिल्कुल आए। जैसा हमने कहा हम हाईवे की कार्रवाई किसी भी कीमत पे नहीं रोकने देंगे, फिर भी 1% चांसेस है कुछ समय के लिए अगर पुलिस फोर्स और प्रदर्शनकारियों में झड़प होती है तो हो सकता है हाईवे कुछ समय के लिए बंद रहे, इसलिए एडवाइजरी के तौर पे हमने रूट डाइवर्जेंस की होगी। सर ऋषभ ऋषभ की मौत हुई है सर जिस किसान की मौत ऋषभ आपने आपका बयान सर सर आपका बयान कोई बात नहीं है। अगर किसान संगठनों की तरफ से जो भी मांगे आती है जैसे मैंने कहा जब भी मांगे आएंगी उन पे तो जिन लोगों को आप पहले ही मान रहे हैं कि वो कोर्ट से भी आदेश हुए तो ऐसे लोगों को क्या डिटेन क्यों नहीं किया? जैसे भी आवश्यकता पड़ेगी कानून व्यवस्था को बाहर रखने के लिए व्यवस्था। डी साहब आपके बयान कंट्राडिक्टरी है, आप कह रहे हो कि धारा 144 लगा दी गई है और उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि अगर वो शांति से महापंचायत करना चाहते हैं तो करें, जब धारा 144 लगा दी गई है तो कानून व्यवस्था तोड़ने के लिए अगर आप धारा 144 का आदेश ठीक से पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि 5 या 5 से ज्यादा लोग अगर कानून तोड़ने की दृष्टि से इकट्ठे होते हैं जिस समय हमें ये लगा कि ये कानून तोड़ रहे हैं उस तब समय उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे और 144 के तहत